गुड मॉर्निंग जी। तो गाइज आज आया हूँ मैं हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत शहर में। तो भाई इस खूबसूरत शहर के बारे में बताने से पहले मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ, तो हाँ जी फिर क्या हाल चाल आप सबके? सभी बढ़िया एंड हिप हॉप एंड ट्यूब टॉप है ना? मैं बहुत बढ़िया हूँ, यानी कि एकदम फर्स्ट क्लास। तो गाइज हम आए हैं सुंदरनगर में, और जिस जगह में हम इस टाइम है यहाँ पर एक पार्किंग है, यहाँ पर अभी हमने गाड़ी पार्क की, अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ यानी कि शहर की तरफ। तो चलो चलते हैं। पार्किंग से हम बाहर आ गए हैं। ये जो मार्केट आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रोड के साथ है, चलो मैं इसको दिखाता हूँ आपको। बहुत खूबसूरत मार्केट है, जैसा नाम है यहाँ का वैसे ही यहाँ की मार्केट है। तो गाइज ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये ब्लैकबेरी और वुडलैंड का शोरूम है, इसको बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। ये है वुडलैंड और ब्लैकबेरी का शोरूम। जितने भी यहाँ पर शोरूम है वो आपको बाहर की सड़क में दिखाई देंगे, जो नेशनल हाईवे 21 है उसमें। बाकी गाइज ये जो रोड आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे 21 है। गाइज ये जो पीछे आप मेरे स्टेशनरी देख रहे हैं ये वाली, ये खड़बंदा जनरल स्टोर एंड स्टेशनरी है, सुंदरनगर की काफ़ी बड़ी स्टेशनरी है। यहाँ पर आपको हर एक प्रकार की बुक एंड किताबें मिल जाएगी जो आपको चाहिए होगी। बाकी गाइज धीरे धीरे आगे की तरफ भी चलते हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी मार्केट भी दिखाता रहूँगा। तो चलो। तो गाइज ये US पोलो का शोरूम है। बाकी ये कीर्ति फोटो लैब है जो कि काफ़ी फेमस है सुंदरनगर की, और ये उपल वालों की शॉप है। जितनी भी मैं आपको मार्केट दिखा रहा हूँ ये बाहर की मार्केट है, यानी कि नेशनल हाईवे 21। भाई यहाँ पे थोड़ी सी आगे इंपीरियल बेकरी वाले भी है जो कि काफ़ी फेमस है सुंदरनगर की बेकरी, तो चलो उनको भी आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है इंपीरियल बेकर्स, यहाँ का बेकर फूड काफ़ी फेमस है। बाकी यहाँ पर आपको केक वगैरह भी मिल जाएंगे, और यहाँ का बेकर फूड है ये देखो, ये अंदर का व्यू है इस शॉप का। तो गाइज अब पहुंच गए हम सिनेमा चौक में, यहाँ पर सिनेमा थिएटर भी है। ये जो आप पाली साइड देख रहे हैं ये सिनेमा थिएटर है। तो गाइज ये सैंड शॉपिंग मॉल, ये आपको सिनेमा चौक के बिल्कुल सामने दिखेगा। सैंड शॉपिंग मॉल के बिल्कुल नीचे ड्रैगन रेस्टोरेंट है। तो गाइज सुंदरनगर की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के सेंटर में बसा हुआ एक छोटा सा शहर है जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो गाइस सिनेमा चौक से अब हम एंटर कर रहे हैं भोजपुर बाज़ार, जो कि एक फेमस बाज़ार है सुंदरनगर का। अब हम घूमेंगे भोजपुर बाज़ार, ये एक मेन बाज़ार है सुंदरनगर का। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भोजपुर बाज़ार। तो गाइस ये MI वालों का शोरूम है। तो गाइस अब आपको दिखाता हूँ मैं जो सुंदरनगर की मोबाइल शॉप है जो कि सबसे बड़ी है उसको। तो भाई ये है म्यूजिक वर्ल्ड जो कि सुंदरनगर की एक फेमस शॉप है मोबाइल फ़ोन एंड मोबाइल एसेसरी की। बाकी अब चलते हैं आगे की तरफ। यह है OFC रेस्टोरेंट जो कि काफ़ी फेमस है सुंदरनगर का। बाकी भाई म्यूजिक वर्ल्ड वालों की एक ब्रांच ये भी है जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक के बिल्कुल साथ है। अब पहुंच गए हम नव भारत कलेक्शन के पास। बाकी अरोरा वालों की शॉप है, यहाँ पर आपको जूते चप्पलें मिलेगी। स्टैंडर्ड टेलर की शॉप है। तो गाइज इस मार्केट में आपको हर एक प्रकार की शॉप दिखेगी, जो आपको चाहिए होगा वो आपको यहाँ पर बड़े आराम से मिल जाएगा। बाकी सुंदरनगर की बात की जाए तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है जिसकी दूरी चंडीगढ़ से 175 और शिमला से 120 है। रावत ट्रेडर, इंदर स्टोर, लकी बूट हाउस, लकी फैशन प्लेस, फैशन फॉर फैशन, यानी कि यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं। आई होप आपको ये मार्केट और ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे इस ब्लॉग को देख के। तो भाई इस ब्लॉग को पूरा देखें क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई ये है रिमझिम रेस्टोरेंट। तो गाइज ये था भोजपुर बाज़ार, अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से हम आपको शॉर्टकट रास्ता बताएंगे जो कि सीधा बाहर सड़क में पहुँचता है। तो गाइज ये भोजपुर बाज़ार से बाहर को निकलने के लिए एक शॉर्टकट गली है जो कि ऊपर वाला जो पीपल है उसके थोड़े से नीचे से अंदर की तरफ है, और इस गली से हम सीधा जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है वहाँ पर पहुँचेंगे। पर अभी हमने घर नहीं जाना है,
अभी थोड़ा सा काम है सुंदरनगर में, उसको करेंगे फिर हम घर जाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो गाइस हम फिर से बाहर की मार्केट में पहुंच गए, जो बाहर की मार्केट है सुंदरनगर की। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। जहां हम खाने के लिए जा रहे हैं उस रेस्टोरेंट का नाम है ग्रीन सिटी हार्ट फास्ट फूड, जो कि चिनार होटल के बिल्कुल सामने है। तो गाइज इस रेस्टोरेंट का नाम है ग्रीन सिटी हार्ट फास्ट फूड, जो कि चिनार होटल के बिल्कुल ही सामने है। अब मैं बैक कैमरे से कुछ वीडियो यहाँ से बनाता हूँ, अगर आपको अच्छी लगेगी तो बताना। तो भाई ये है चिनार होटल और ये बॉय स्कूल है सुंदरनगर का, और इसके बिल्कुल सामने ये रेस्टोरेंट है, ये देखो। तो चलो अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये इस रेस्टोरेंट के कुछ प्यारे प्यारे व्यू है जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बैठने के लिए बंबू टाइप कुछ घर बनाए गए हैं और इनकी छत पर स्लेट का काम किया गया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो भाई अभी इसे देखो आप, इसको मैं झरना बोलूं या कुआं बोलूं, पर जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई ये गर्मा गर्मा सूप हमारे लिए आ गया है। तो गाइस इस रेस्टोरेंट की पहली चम्मच पी रहा हूँ सूप की, देखते हैं कैसा बना है। भाई क्या ही बताऊँ, क्या लजीज है, क्या स्वादिष्ट है। तो भाई ये मोमोज आ गए हैं, इनको भी ट्राई कर लेते हैं, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो गाइस अब मोमोज ट्राई किए जा रहे हैं, देखते कैसे बने, कुछ इस तरह के देखो। पहले इनमें चटनी लगाई जाएगी। एक और वाइट बनती है। मोमोज भी काफ़ी स्वादिष्ट है, लाजवाब है। इनको ख़त्म करने के बाद अब आपसे बात करूंगा। तो गाइस मोमोज खा के हो गए हम फ्री, तो अब जा रहे हैं सुंदरनगर लेक की तरफ। तो चलो तो गाइस ये है सुंदरनगर लेक, ये सुंदरनगर की खूबसूरती में चार चांद और लगा देती है। बाकी गाइस आप देख ही रहे हैं क्या प्यारी ये लेक लग रही है, क्या मस्त व्यू आ रहा है, ये देखो गाइस। और यहाँ से धौलाधार पर्वत भी दिखते हैं, ये देखो। और ये झील का कंट्रोल गेट है, यहाँ से पानी को कंट्रोल किया जाता है। तो गाइस ये थी सुंदरनगर लेक और हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत मार्केट सुंदरनगर। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चंगा फिर मिलते हैं अगली बारी, तब तक के लिए बाय बाय।